प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के SSM विभाग में ठेका श्रमिक सम्मानित और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से संचालित टीकाकरण केंद्रों में COVID-19 टीकों की 90,000 से अधिक खुराक प्रदान। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सिलिकॉन स्टील मिल में 25 जून 2021 को एक सम्मान समारोह में मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र ने मेसर्स SKP कार्गो के ड्राइवर श्री गुड़धर बैरागी को उनके प्रतिबद्ध प्रयासों के लिए सम्मानित किया, जिनकी वजह से संयंत्र को संसाधनों की गंभीर कमी की समस्या को दूर करने में मदद मिली। इस अवसर पर महाप्रबंधक SSM ऑपरेशन श्री CR मिश्र और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। समारोह का आयोजन COVID-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए किया गया। उल्लेखनीय है कि तरल अमोनिया का उपयोग SSM की अमोनिया क्रैकिंग यूनिट में संश्लेषण गैस के उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसे CRM की गैल्वनाइजिंग लाइंस और SSM की TA डेकार्ब लाइन में सुरक्षात्मक वातावरण के रूप में उपयोग किया जाता है। तरल अमोनिया की आपूर्ति मेसर्स पारादीप फोफेड लिमिटेड से सड़क टैंकरों के माध्यम से RSP को की जाती है। हालांकि PPL में रसद मुद्दों के कारण इस प्रमुख संसाधन की उपलब्धता में गंभीर कमी आ गई थी। तरल अमोनिया की समय पर अनुपलब्धता से CRM की गैल्वनाइजिंग लाइनों और SSM की एनीलिंग लाइनों के निरंतर कामकाज के गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न हो रही थी। 22 जून 2021 को तरल अमोनिया का स्टॉक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया था और अगर आधी रात तक अमोनिया नहीं पहुंच पाती तो CRM और SSM की कई इकाइयाँ बंद हो जाती। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए श्री बैरागी, जो मेसर्स SKP कार्गो में एक ड्राइवर के रूप में कार्यरत हैं, बिना किसी विलंब के लगातार बारिश और खराब सड़क स्थिति के बावजूद कम से कम समय में PPL के RSP तक सुरक्षित रूप से तरल अमोनिया पहुंचाया। गौरतलब है कि सामान्य समय में एक टैंकर को PPL से RSP तक सामग्री परिवहन के लिए 36 से 48 घंटे लगते हैं। श्री बैरागी PPL से सुबह 5 बजे निकले और 18 घंटे के अंदर उसी रात को 11 बजे RSP पहुंचे। मुख्य गेट से प्रवेश पाने वाले टैंकर को मध्य रात्रि 12:30 बजे SSM पर खाली किया गया। सामग्री प्रबंधन विभाग और सिलिकॉन स्टील मिल द्वारा निरंतर समन्वय और अनुवर्ती कार्यवाही ने नाजुक स्थिति को संभालने में मदद की। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में इस्पात शहर के निवासियों को 90,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। विशेष रूप से निर्दिष्ट केंद्रों अर्थात सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल, सेक्टर 6 स्वास्थ्य केंद्र और सेक्टर 22 अस्पताल भंजा भवन, सेक्टर 19 सोशल होम, सेक्टर 18 सेक्टर 1 स्वास्थ्य केंद्र में जिला प्रशासन के सहयोग से टीकाकरण किया जा रहा है। कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन एवं कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए केंद्रों पर व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सामुदायिक केंद्रों में नियमित रूप से रैपिड एंटीजन परीक्षण किए जा रहे हैं। 6 जुलाई तक 2021 तक औद्योगिक टाउनशिप के केंद्रों में 90,746 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 7,401 टीके कर्मचारियों को और 10,406 उनके आश्रितों को दी गई हैं। बाकी 70,183 टीके इस्पात शहर में रहने वाले विभिन्न वर्गों के लोगों को दिए गए हैं। एक बार फिर हमारे दर्शकों से अनुरोध है कि मास्क अवश्य पहनें, नियमित रूप से हाथ धोएं, उचित दूरी बनाए रखें और जहां तक संभव हो भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।